चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको पता चले कि बांदा से खबर आ रही है, जहाँ पर चित्रकोट धाम मंडल बांदा में यहाँ पर गौरव दयालु IAS के कमिश्नर पद पर यहाँ पर ज्वाइन करते ही पत्रकारों से मुलाकात की। और पत्रकार से मुलाकात करते उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को चित्रकोट धाम मंडल बांदा संबंधित प्रमाणित प्राथमिकता के बारे में बताया है। चित्रकोट धाम मंडल बांदा में गौरव दयाल IAS के कमिश्नर पद पर ज्वाइन करते हुए पत्रकारों से मुलाकात की। इससे संबंधित आपको बताया चले, मुख्यमंत्री योगी चित्रकोट धाम मंडल को लेकर काफी सेवादनशील, यहां पर प्रमुख रूप से अवैध खनन लेकर काफी चिंतित हैं। इसके साथ ही कमिश्नर गौरव दयाल ने बताया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर यहाँ पर गौशालों का रख रखाव कैसे किया जाएगा। यहाँ पर आपको बताया चले कि बांदा यहाँ पर मयूर भवन 9 आगतुक चित्रकोट मंडल धाम में है। मंडलयुक्त गौरव दयाल ने पत्रकारों को रूबरू करते हुए जनपद में हो रही गतिविधियों के साथ ही क्रियाकल्पों के विशेष रूप से चर्चा पर इत करके पत्रकारों द्वारा ही यहाँ पर मंडलयुक्त जनपद में चल रहे लगातार अवैध खनन और गौवंशों की मौत की जो घटनाएं सामने आई है, जिस तरह यहां पर लगन लागने का काम किया जा रहा है। मंडलयुक्त ने बताया है कि सारे काम मुख्यमंत्री के मंश के अनुसार ही करेंगे। मुख्यमंत्री की मंशा यह है कि बुलंदशहर में अवैध खनन को पूरी तरह से लगाम लगाई जाए, साथ ही साथ जिस तरह के जनपद में गौवंशों की मौत हो रही है, जल्द ही समाधान किया जाए। प्राइम मेकिंग न्यूज चैनल के लिए आप देख सकते हैं आयाज जमा की खास रिपोर्ट बांदा से। जनपद में कोई विरोध नहीं, ये विपक्षी पार्टियों के द्वारा जिस तरीके से इसका धार्मिक विशेषकर स्थानों पे जा करके कुप्रचार करना CAA है क्या, इसी की वास्तविकता के लिए भारतीय जनता पार्टी या ये भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में एक गोष्ठी हुई है। और इस गोष्ठी के उपरांत भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, ये सारे लोग, हम लोग सभी जगहों में जाकर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में क्या वास्तविकता है उसके बारे में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विपक्षियों के द्वारा फैलाए जा रहे षड्यंत्र और कुप्रचार को पूरी तरीके से निस्तनाबूद करने का काम करेंगे। आज किस प्रकार का कार्यक्रम है? आज ये गोष्ठी है, उनका देखिए ये पत्रक है और CAA का पूरा डिटेल इसमें है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसके बारे में एक एक जो वास्तविकता है, इस एक्ट में क्या प्राविधान किए गए हैं। बहुत सारे लोगों ने एक उपचार किया कि एक धार्मिक धर्म विशेष लोगों की नागरिकता खतरे में है, उनका कोई जिक्र नहीं है इसमें। तो उन विस्थापितों की, देखिए महात्मा गांधी जी की भी एक इच्छा थी, 26 सितंबर 2047 में उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में रह रहे धार्मिक अल्पसंख्यक अगर भारत आकर रहना चाहते हैं तो इसके लिए उनको उसकी पूरी स्वतंत्रता है और भारत सरकार का यह कर्तव्य होगा कि उनको नागरिकता प्रदान कर यहाँ की मूलभूत सुविधाएं उनको प्रदान करें। आदरणीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांधी जी के नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो लोकसभा में अभी हाल में पास हुआ है, उसको लेकर के जो विरोधी पार्टियां हैं वो पूरे देश में भ्रम फैला करके लोगों को गुमराह करके और दंगा फसाद कराना चाहते हो, करा रहे हैं। लोगों को जागरूक करके ये जो अधिनियम बनाया गया है, इस अधिनियम के प्रति पूरी जानकारी देने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। पूरे क्षेत्र में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में और नगर में घूम घूम करके गलियों में लोगों को बताने के लिए और जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है। क्योंकि ये कानून किसी जाति, धर्म, मजहब के खिलाफ नहीं, बल्कि जो तीन देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीन देशों में जो वहां का अल्पसंख्यक है वो जो भारत में आया है और वो रह रहा है यहाँ अवैध तरीके से, एक तरह से मान लीजिए रह रहा है, यहाँ पर रह रहा है, उसको यहाँ की नागरिकता नहीं मिली है, उसको नागरिकता देने के लिए कानून बनाया गया है जो उन तीन देशों का अल्पसंख्यक है। क्योंकि 1950 में नेहरू लियाकत समझौता जो हुआ था, उस समझौते के तहत
ये तय हुआ था कि जो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक है उसका पूरा संरक्षण हिंदुस्तान की। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।